हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं वो कैब के 10 वर्ड। हमारी 1000 वर्ड की सीरीज है, इसको हम 10 10 वर्ड करके हम डेली करेंगे। आज वो कैब का एपिसोड 1 है और इसको हम डेली 10 वर्ड याद करके एक जादुई तरीके से हम 10 वर्ड याद करेंगे। हम देखिए हम कैसे करते हैं बिना देरी किए। पहला वर्ड है असी डुअस। असी डुअस मतलब होता है इसका मेहनती, और जब हम इसको बोलते हैं असी डुअस तो ऐसी दुआ, हमें ऐसा लगता है कि ऐसी दुआ बोल रहे हैं हम, तो इसको हम ऐसी दुआ से ही एग्जांपल में कन्वर्ट करते हैं। ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाएं। तो असी डुअस मतलब ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। तो जब भी हम एग्ज़ाम में ये वर्ड होगा तो हमारे माइंड में स्ट्राइक क्या करेगा, ऐसी दुआ। तो ऐसी दुआ से हमें तुरंत याद आएगा मेहनत। तो हमें इस तरीके से इसको याद करना है, ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाए। ठीक है, ऐसी डुअस का मतलब होता है मेहनती, और इसको हम ऐसी दुआ लिंक से याद रखेंगे, ऐसी दुआ दो कि हम मेहनती हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड करते हैं हम अटरली। अटरली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से या कम्प्लीटली, किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से होना अटरली होता है। जैसे अटरली, तो इसके बोलने में हमें पता चल रहा है उतरली। उतरली मतलब जो हमने रात में जो पी थी वो सुबह तक कम्प्लीटली उतर ली। तो हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा ये वर्ड, जब भी अटरली आएगा एग्ज़ाम में तो हमें पता चलेगा कि वो तो सुबह तक तो जो दारू पी थी वो उतर ली है। तो इसको हम देखते हैं अटरली। अटरली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से या कम्प्लीटली। उतरली, उतरली से हम इसको याद करेंगे, क्योंकि बोलने से हमें पता चल रहा है अटरली का कि उतरली है। जो रात में पी थी, जो रात में पी थी वो सुबह तक कम्प्लीटली उतरली है। जो रात में पी थी वो सुबह तक कम्प्लीटली उतर ली है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। ओगिरी। ओगिरी का मतलब होता है आभास या किसी चीज़ का संकेत होना। जैसे हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो पहले संकेत दे देता है, आभास दे देता है कि इस दिन तूफान आएगा, इस दिन ये हुआ। ठीक है, तो ओगिरी जैसे हम इसको बोलते हैं ओगिरी, तो हमें पता चल रहा है कि गिरने से कोई बंदा गिर रहा है, हमें पता चल रहा है आभास हो रहा है ओगिरी। तो ओगिरी का मतलब होता है आभास, संकेत। ओगिरी, ओगिरी से याद करेंगे हम इसको। ओ तेरी तो वो गिरी, इसका आभास मुझे पहले ही पता हो गया था, मतलब उसको पहले ही इस चीज़ का संकेत हो गया था कि वो गिरने वाली है। तो जब भी हमारे एग्ज़ाम में ओगिरी वर्ड आएगा, ओगिरी जब भी हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब भी हम इसको बोलेंगे, तो ओगिरी हमारा लिंक आपको याद आएगा और उससे हमारा एग्जाम्पल आपको याद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, किसी का अपोज करना। ठीक है, तो कन्फ्रंट मतलब कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट में जाकर मोदी जी का अपोज करेगा। किसकी इतनी हिम्मत है कि कॉन्फ्रंट में जाकर मोदी जी का अपोज करेगा। तो बोलने से ही पता चल रहा है कॉन्फ्रंट, कॉन्फ्रंट में जाकर मोदी जी का अपोज करेगा। जैसे कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना या अपोज करना, इसको हम कॉन्फ्रंट से याद रखेंगे। तो कॉन्फ्रंट में जाकर मोदी जी का अपोज या सामना कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम। डेल्यूज। डेल्यूज होता है बाढ़। ठीक है, डेल्यूज क्या होता है जी, बाढ़, फ्लड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्यूज देखिए बोलने से पता चल रहा है दहलीज। ठीक है, तो दहलीज से हम इसको याद करेंगे, दहलीज तक फ्लड आ गई, दहलीज तक फ्लड या बाढ़ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा
चेरी, चेरी को हम चेरी से याद रखेंगे, जैसे चेरी का मतलब होता है सतर्क या सावधान, तो हमें चेरी खाते समय सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हो, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लगा हुआ तो नहीं है, ठीक है, ऐसे मतलब चेरी खाते समय हमें, जब भी हम एग्जाम में चेरी वर्ड देखेंगे तो चेरी से हमारे माइंड में सीधा स्ट्राइक होगा सावधानी, सतर्कता, ठीक है, तो चेरी का मतलब होता है सतर्क या सावधान, तो चेरी से हम इसको लिंक करते हैं इस वर्ड से, चेरी खाते समय सतर्क रहें, चेरी खाते समय सतर्क रहें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा बोंटी, बोंटी का मतलब होता है उपहार या गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देना या किसी को उपहार देना, जैसे बंटी ने अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को गिफ्ट दिया, या फिर बंटी ने अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों से गिफ्ट लिया, ठीक है, तो बंटी, बंटी को हम बोंटी, बोंटी को हम किससे याद कर रहे हैं, बंटी से, बोंटी को हम किससे याद कर रहे हैं, बंटी से याद कर रहे हैं, बंटी ने सबको गिफ्ट दिया, बंटी ने सबको गिफ्ट दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड हमारा डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना, किसी भी चीज़ को पोल्यूट करना, ठीक है, तो डिफाइल, डिफाइल से याद रखेंगे हम इसको, किससे याद रखेंगे, डिफाइल से, डिफाइल, जैसे डिफाइल, डिफाइल मतलब डिफाइल नहीं तो तुम उसको पोल्यूट कर दोगे, जैसे कोई ईमानदार ऑफिसर एक करप्ट ऑफिसर से फाइल मांग रहा है कि मुझे ये फाइल दे, नहीं तो तुम उसको क्या कर दोगे, करप्ट कर दोगे, तो डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना, और डिफाइल को हम किससे याद रखेंगे, डिफाइल से, डिफाइल नहीं तो तुम उसको क्या कर दोगे, पोल्यूट कर दोगे, ठीक है जी, करप्ट कर दोगे या पोल्यूट कर दोगे या दूषित कर दोगे, ठीक है। सेकंड लास्ट वर्ड हमारा डिंपल, डिंपल का मतलब होता है गाल पर पड़ने वाला गड्ढा, डिंपल का मतलब क्या होता है, गाल पर पड़ने वाला गड्ढा, ठीक है, इसको हम डिंपल से याद रखेंगे, डिंपल जो हमारी एक्ट्रेस है, ठीक है, उससे याद रखेंगे, तो डिंपल को हम किससे याद रखेंगे, डिंपल जो हमारी एक्ट्रेस है उससे याद रखेंगे उसको, क्योंकि उसके गालों पर गड्ढे हैं, डिंपल के दोनों गाल पर गड्ढे हैं, क्योंकि डिंपल का मतलब ही होता है गालों पर पड़ने वाले गड्ढे, ठीक है। हमारा लास्ट वर्ड है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है, बियरिंग, बियरिंग बोलने से ही पता चला है, बियरिंग मतलब बियर का रिंग, ठीक है, बियर का रिंग से क्या संबंध है, तो बियरिंग का मतलब होता है संबंध, बियरिंग का मतलब क्या होता है, संबंध, तो हमें बोलने से क्या पता चल रहा है, जैसे बियरिंग हम जैसे बोल रहे हैं बियरिंग, तो बियर और रिंग की थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो बियर का रिंग से, बियर का रिंग से, बियर का रिंग से क्या संबंध है, हमें यह ये याद रखना है भाई उसका रिलेशन बियर का रिंग से क्या है, ठीक है जी। हमारा एक नेक्स्ट वर्ड है मोदी कम, इसको आप कमेंट में बताएं इसका मीनिंग क्या होता है, और आप अपने तरीके से इसके ट्रिक भी बताएं, ठीक है, हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे आने वाले 10 वर्ड, और ऐसे हम हंसते हंसते मज़े मज़े में 1000 वर्ड की सीरीज कंप्लीट कर देंगे, ठीक, थैंक यू।